नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूँ। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत व निहित लागत। निहित लागत को ही अस्पष्ट लागत भी कहते हैं। सबसे पहले हम लागत देख लेते हैं। लागत क्या होती है? अगर सिंपल सी भाषा में कहूँ तो किसी चीज़ के निर्माण में जो खर्चा आया है उसे ही हम लागत कहते हैं। फिर उसी को अर्थशास्त्र में हम बदल लेते हैं। एक उत्पादक द्वारा एक वस्तु की निर्दिष्ट मात्रा का उत्पादन करने के लिए कारक और गैर कारक आगतों पर किए जाने वाले खर्च को लागत कहते हैं। कारक खर्च क्या होते हैं? कारक कौन से होते हैं? उत्पादन के साधन को ही कारक कहते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम। और गैर कारक आगते, कच्चा माल, इनको हम गैर कारक आगते कहते हैं। तो कारक आगते और गैर कारक आगतों पर किए जाने वाले खर्च को लागत कहते हैं। अब देखो, लागत के दो प्रकार होते हैं, स्पष्ट लागत जिसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अस्पष्ट लागत जिसे निहित लागत या इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। नंबर 1, स्पष्ट लागत। उत्पादक द्वारा बाजार से खरीदी गई आगतों पर किए जाने वाले खर्च को स्पष्ट लागत कहते हैं। अर्थात जब उत्पादक बाजार से कोई चीज प्रोडक्शन के लिए खरीदता है तो उस पर जो खर्चा आएगा उसे हम स्पष्ट लागत कहेंगे। जैसे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करना, क्योंकि बाहर से लिया ना, इसलिए बिजली के भुगतान, बिल का भुगतान, ये सब क्या है? स्पष्ट लागत। क्यों? क्योंकि वो बाहर चुका रहा है किसी को। निहित लागत क्या होती है? सभी आगतें जो बाजार से नहीं खरीदी जाती, उत्पादक कुछ स्वयं स्वामित आगतों का उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करता है, इसे ही निहित लागत कहते हैं। जैसे अपने ही परिवार के सदस्यों को या अपनी घर की वस्तु को तथा स्वयं को उत्पादन में लगाने पर होने वाला अनुमानित खर्चा। निहित लागत होती क्या है दोस्तों? और कुछ नहीं है। मान लीजिए मैंने दुकान खोली, तो मैंने दुकान में क्या किया? अपने घर पे जो कंप्यूटर था वो दुकान में लगा लिया। तो उस कंप्यूटर को जो मैंने अपने घर से ले जाके अपनी दुकान में लगा लिया, तो उस कंप्यूटर का खर्चा मैं अनुमानित जोड़ूंगा, उसी को निहित लागत कहेंगे। क्योंकि अगर मैं बाहर से लाता तो भी तो खर्चा होता ना, तो मैंने घर से लिया उसको तो उसको, या मैंने अपनी दुकान पे अपने भाई को बैठाया तो उस भाई की पेमेंट को भी मैं काल्पनिक रूप से मानकर उसे जोड़ूंगा लागत में, क्योंकि वो कहीं और काम करता तो उसको पेमेंट मिलती। इसलिए तो कुल लागत ऐसे बनती है हमारी, स्पष्ट लागत प्लस निहित लागत, अथवा कारक लागत प्लस गैर कारक लागत।